भारतीय सेना की वो खास यूनिट जिससे बड़े बड़े आतंकी कांपते हैं। इस फोर्स ने घाटी से लेकर कई बड़े आतंकवादियों को और उनके गुटों का सफाया किया है। इस फोर्स के बारे में कहा जाता है कि जिस आतंकी गुट के पीछे लग जाती है उसका नाम लेने के लिए कोई जिंदा नहीं बचता। नमस्कार, मैं हूँ नेहा सिंह। आज हम बात करेंगे साल 1990 की, जब दिल्ली में विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार चला रहे थे और देश में मंडल कमीशन और ओबीसी आरक्षण को लेकर बहस छिड़ी हुई थी। लेकिन इन दोनों घाटी पर कुछ और ही हो रहा था। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से आतंकवादी कोहराम मचा रहे थे। पूरे सूबे में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। दिल्ली पर प्रेशर बढ़ रहा था। इसी बीच फैसला लिया गया कि भारतीय सेना की एक नई यूनिट बनाई जाएगी जो कश्मीर से आतंकवादियों का सफाया करेगी और उनके इन्फॉर्मेशन से लेकर लॉजिस्टिक नेटवर्क तक को नष्ट कर देगी। इस स्पेशल यूनिट का नाम रखा गया राष्ट्रीय राइफल्स। चलिए इस खास फोर्स के बारे में विस्तार से बात करते हैं। साल 1990 की बात है जब राष्ट्रीय राइफल का गठन किया गया। तब से लेकर अब तक इस फोर्स ने घाटी पर कई बड़े आतंकवादियों और उनके गुटों का सफाया कर दिया है। चलिए अब जानते हैं ये फोर्स कहाँ कहाँ काम करती है। राष्ट्रीय राइफल्स मुख्य रूप से जम्मू और कश्मीर में तैनात है। यहाँ इनका मुख्य काम आतंकवाद को खत्म करना। इसके अलावा राष्ट्रीय राइफल्स आतंकवादियों की गतिविधियों पर नजर रखने और घाटी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमेशा तैनात रहती है। राष्ट्रीय राइफल्स के जवान जम्मू और कश्मीर में खास तौर पर उन जगह पर तैनात रहते हैं जो इलाके पाकिस्तान की सीमा से लगे हैं, जैसे उधमपुर, राजौरी, कुलगाम आदि। इसके अलावा घाटी पर जहाँ भी आतंकवादी गतिविधियाँ देखी जाती हैं, वहाँ राष्ट्रीय राइफल के जवान उन्हें खत्म करने के लिए पहुंच जाते हैं। ऐसे तो भारतीय सेना के हर जवान के पास एक से बढ़कर एक हथियार होते हैं, लेकिन राष्ट्रीय राइफल्स की बात करें तो इस फोर्स के जवानों के पास ना सिर्फ घातक हथियार होते हैं बल्कि ऐसे आधुनिक हथियार भी होते हैं जिनके बारे में आतंकवादी सोच तक नहीं सकते, जैसे INSS राइफल, AK-47, AK-56, लाइट मशीन गन, ड्रोन और कई आधुनिक तकनीकी वाले हथियार। ये कुछ चीजें हैं जो राष्ट्रीय राइफल्स को और फोर्सेस से अलग बनाती हैं।